भगवद्गीता चैप्टर 3 कर्मयोग श्लोक 27। प्रकृते क्रियमाणानि गुणाः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। इस श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी काम हो रहे हैं वो इस बॉडी के मटेरियल बॉडी के, दिस बॉडी इज द पार्ट ऑफ नेचर, इसे इसी का धरती का एक हिस्सा कहा जाता है और है भी क्या, पंचतत्व 5 एलिमेंट्स, तो उसका ही हिस्सा कहा जा रहा है। और इसके जो गुण हैं नेचर के, सिर्फ रजस और तमस उसके कारण ही हो रहा है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जैसे स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, फाइटर जेट प्लेन्स हैं या फिर बंदूक है, तो इनके सारे सारे अपने नेचर हैं। स्कूटर हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, कितनी भी कोशिश कर ले हवा में उड़ नहीं सकते। जो एरोप्लेन है हमेशा ही रनवे पर नहीं चल सकता, उड़ने के लिए बना हुआ है, रनवे पर चलाना उसका मिस यूज होगा सिर्फ रनवे पर चलाना तो। और जैसे बंदूक हो गई, उसका काम है गोली शूट करना, तो उसका अपना नेचर है। उसके विपरीत अगर हम चाहें कि बंदूक से हम कहीं पहुंच जाएं तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, तो उसके अपने गुण डिसाइडेड है। वैसे ही इस बॉडी के अपने गुण डिसाइडेड है। और जो इसका चालक है, जब हमें कृष्ण समझा रहे थे तो उन्होंने बताया कि दिस बॉडी ये क्या है, रथ है, और जो इसकी जो घोड़े हैं वो इंद्रियाँ हैं। इंद्रियाँ यानी कि जब वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, इंद्रियाणी प्रमाथिनी। इस अध्याय का दूसरी अध्याय शांख्य योग का श्लोक नंबर 60 है, यत तो या भी कौन तेया पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणी प्रमाथिनी हरंती प्रशभम मना। प्रमाथिनी यानी कि वेरी स्ट्रांग, यानी कि अगर कोई योगी भी प्रैक्टिस कर रहा है, लगातार प्रैक्टिस कर रहा है कि कंट्रोल में करने की, पर इंद्रियां जो सेंसेस है इतनी स्ट्रांग है कि उसे भी खींच कर ले जाती हैं। अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं मुझे नियमित ही भोजन करना है, पर अब नियमित भोजन का या तो कुछ कर रहे हैं कि बुद्ध के समय में भी ऐसा हो रहा था, कुछ लोग हैं जो लगातार उपवासी किए जा रहे थे, व्रती किए जा रहे थे, या फिर कुछ का बिल्कुल ही खाने पे कंट्रोल नहीं था तो वो सिर्फ खाए जा रहे थे। दोनों ही अति हो गई। कबीरदास जी कहते हैं कि अति का भला ना धूप, अति की भली ना छाव, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, यानी कि अति कुछ भी नहीं होता। और बुद्ध कहते हैं कि जो है सब अस्थिर है, अपने आप को बीच में स्थिर करो, यानी कि ना बहुत ज़्यादा खाओ ना बहुत कम खाओ, ना बहुत ज़्यादा सो ना बहुत कम खाओ, एक मिडल में ठहरना चाहिए। तो इस रथ कहा गया है कि इंद्रियाणी प्रमाथिनी हरंती प्रशव मना। कॉमन मैन का मन तो उसे तो पता ही नहीं होता कि हरा भी जाता है, उन्हें लगता है कि सब कुछ हम ही किए जा रहे हैं, भूख लग रही है तो हम ही खा रहे हैं। तो इंद्रिया इतनी भूख लग रही है, कभी इतनी भूख लगती है हम कुछ सोचने नहीं लगते, जो मिलता है घर में ढूंढने लगते और खा लेते हैं। फिर नींद आती है तो हम कुछ सोचने नहीं लगते, पता नहीं कब नींद आ जाती है, हम कोशिश करें तो नहीं आती, अपने आप को कब आ जाती है। तो फिर हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि इंद्रियों को इतना स्ट्रांग बनाया ही क्यों गया। पर ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन हम दूसरों से करने की बजाय अगर हम खुद से क्वेश्चन कर लें, खुद से डिबेट करके आंसर ढूंढ लें ना, तो बहुत अच्छा होता है। दूसरे ने अगर आंसर दे दिया तो फिर हम क्वेश्चन कहीं एक है क्या, बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट होंगे, और दूसरे के आंसर पर हमें उतना यकीन भी नहीं होता जितना अगर हम खुद जब हम डिबेट करते हैं, खुद समय लगाकर उसका आंसर निकालते हैं, तब जितना हमें सेटिस्फेक्शन होता है ना, खुशी मिलती है, वो कोई दूसरा अगर हमें आसानी से दे दे तो नहीं मिलती। तो इसीलिए हमें खुद ट्राई करना चाहिए कि हम उसका आंसर ढूंढें। और कभी कभी क्या होता है ना, जब हम आंसर किसी क्वेश्चन का आंसर पूछते हैं तो सामने वाले का भी खुद पे इतना कंट्रोल नहीं होता, तो वो आंसर बताने की जगह क्या, वो हमें एक ऐसे बताता है कि हमें बहुत बुरा लगता है। वो आंसर सुनना तो दूर की बात रहा, हम पछताते हैं कि हमने सवाल ही क्यों किया। कहते हैं कि कभी कभी हम सच बोलने के साथ लोगों को जलील भी कर रहे होते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जलील करने के तरीके को सिर्फ सच बोलना समझा जाए। तो अक्सर ये होता है कि अगर हम किसी से कुछ पूछे तो वो हमें बहुत ही बेवकूफ़ समझता है, और इस तरह से आंसर देता है कि हम उस आंसर को तो ले नहीं पाते, उसके जो वो पर्सन आंसर दे रहा है उसके प्रति और गुस्सा आ जाता है हमें, और फिर हमें खुद के प्रति लगता है कि हम कैसे हैं, और हम फिर दोबारा क्वेश्चन पूछते ही नहीं है। क्लास में ऐसा ही होता है, कुछ टीचर ने समझाया, बच्चे को समझ नहीं आया, अगर टीचर पूछते हैं कि सब समझ आ गया, बच्चे सिर हिला देते हैं, क्योंकि समझ चाहे किसी को ना आया हो पर कोई नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि फिर सारे बच्चे उस पर हंसेंगे, कितना बेवकूफ़ है, इतना भी समझ नहीं आया, और फिर टीचर बोलेंगे, चुप करा के बैठा देंगे, क्लास में करते क्या रहते हो, तुम्हें समझ नहीं आता, आगे वाली रोको तो थोड़ा इंटेलिजेंट भी माना जाता है, वो थोड़े बकवास क्वेश्चन भी करे तो टीचर थोड़ा आंसर देते हैं, क्योंकि टीचर को लगता है कि बच्चे मेहनत करते हैं, पर जो पीछे बैठते हैं टीचर को लगता है तो बिल्कुल ही मेहनत नहीं करते और बकवास क्वेश्चन पूछते हैं। सिर्फ टीचर की गलती नहीं होती, बच्चों की भी गलती होती है, कई बार बच्चे ऐसा करते भी हैं कि वो खुद मेहनत करते नहीं और सिर्फ पूछने के लिए खड़े हो जाते हैं अपने टॉर दिखाने के लिए, फिर टीचर को गुस्सा चढ़ता है क्योंकि उन्हें भी लिमिटेड टाइम मिला होता है सवाल करवाने के लिए, काम करवाने के लिए, तो इसलिए टीचर को भी गुस्सा चढ़ता है। पर कई बार टीचर की भी गलती होती है, कई बार कई बच्चे होते इतने वीक हैं उन्हें नहीं समझ आया होता है, वो इतना डरते हैं कि पूछते नहीं, पर कई बच्चे होते हैं जो हिम्मत करते हैं और वो खड़े हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कोई बात नहीं, अभी हंस लो मुझ पर, लेकिन
जो आगे है, क्योंकि उसे पता है समझ किसी को आया नहीं है, सिर्फ सारे बच्चे इसलिए चुप हैं क्योंकि सब उन्हें बेवकूफ़ समझेंगे, टीचर भी डांट देंगे। पर अगर थोड़ा सा प्यार से टीचर आंसर दे देते, उत्तर दे देते कि तुम अभी समझ कर आना, एक बार दो बार समझ कर आना, फिर मैं तुम्हें आंसर दूंगी, तो शायद वो जो वीक बच्चे हैं जो पीछे बैठे रह जाते हैं डर से, कुछ समझ नहीं आता, वो भी पूछ पाएँ। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि आंसर हम खुद से ही ढूंढ लें। कभी देखे होंगे जो बुद्ध की स्टैचूज बनाए जाते हैं, उनके कान काफ़ी लंबे होते हैं इस तरह से, और जब छोटे बच्चे कोई गलती करते हैं तो हम बोलते हैं सॉरी बोलो, छोटे बच्चे ऐसे करके कान पकड़ते हैं, सिर ऐसे करके आँख झुका देते हैं और फिर उठक बैठक करते हैं या फिर ऐसे करके खड़े हो जाते हैं। तो फिर हमें लगता है कि ये कान खींचने का क्या मतलब है, यानी कि बुद्ध के स्टैचू और ये कान खींचना है ना, कि मतलब अब से हम सुनेंगे। तो सुनना नेचर के पास इतना है, इतना है, इतना है कि हमारी कैपेसिटी नहीं उतना ले पाए। तो अगर हम थोड़ा सा पेशेंट होना सीख ले, स्थिर होना सीख ले, तो हमें आंसर मिल जाता है। शिव जी कहते हैं, जो देवों के देव महादेव है उसमें एक आता है, वो उसमें कहते हैं कि चंद्रमा उसी जल में प्रतिबिंबित होता है जो जल स्थिर होता है। सोचते हैं कि क्या इसका मतलब है। कभी कभी लगता है ना कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा एनजाइटी होती है कि क्या हो रहा है, मैं ये बोलना ही नहीं चाहता था और मुझसे ये बोला गया, मैं करना ही नहीं चाहता था मुझसे ये करा गया, हम गुस्सा होना ही नहीं चाहते थे फिर भी हो गया, अपने आप सब काम किए जा रहे हैं। इस बॉडी को रथ से कंपेयर किया गया है, यानी कि और जो इसका मालिक है आत्मा, जिसे कहा जाता है आत्मा, बुद्धि ने दीप कहा है, अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, दीप आत्मा, तम यानी कि अंधकार होता है, आत्मा जहाँ पे अंधकार नहीं है प्रकाश है। अब ये तो कहने सुनने की बातें हैं। विवेकानंद कहते हैं, इफ देर इज अ सोल वी मस्ट रियलाइज इट, इफ देर इज अ गॉड वी मस्ट सी, अदरवाइज इट्स बेटर टू बी एन अथीस्ट, आउटस्पोकन अथीस्ट देन अ हाइपोक्रिट। अगर कोई आत्मा है हमें ज़रूर उसे महसूस करना चाहिए, अगर कोई भगवान है तो ज़रूर देखो उसे। अगर तुम नहीं देख पा रहे हो, महसूस नहीं कर पा रहे हो, तो नास्तिक ही बन जाओ, जाने माने नास्तिक बन जाओ, पाखंडी बनने से अच्छा है। इट्स वेरी गुड कि हम मान लेते हैं आत्मा है, भगवान है, नहीं जाना तो नहीं जाना। कहते हैं कि भगवान को देखा नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता, तो फिर हम भगवान के बच्चे हैं और बच्चे भगवान को नहीं देख सकते, हाउ इज इट पॉसिबल? जब बाकियों ने देखा है तो हम क्यों नहीं देख सकते? हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि हमने कोशिश उस लेवल की नहीं की, इसलिए, क्योंकि कोई भी चीज़ इतनी आसानी से मिल जाए तो फिर हम इसका, फिर उसका हमारे लिए कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती। तो इसका जो मालिक है, जो जब कृष्ण ने समझाया तो कहा दिस, ये क्या है, दिस बॉडी, ये रथ है और इसके जो घोड़े हैं वो सेंसेस हैं, और सेंसेस वेरी स्ट्रॉन्ग हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि सेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग क्यों बनाए गए? अगर घोड़े स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो रथ को खींचना भी तो होता है, पर घोड़ों को कंट्रोल में रखने वाला जागा होना चाहिए और उसे बिल्कुल पता होना चाहिए। कई बार हम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि हम क्या करें, कई बार ऐसे होते हैं कि करें या ना करें, कुछ भी नहीं पता चलता, ये चीज़ बोले या ना बोले, ऐसे होते हैं। तो फिर इंद्रियों को जहाँ मन होता है वो चली जाती है और अक्सर काम गलत ही हो जाता है। फिर बाद में अगर सही हो गया तो हमें लगता है कि देखो मैंने सही डिसीजन लिया था, गलत हो गया तो हमें लगता है मैंने तो किया ही नहीं है, अपने आप हो गया ये, वो तो जैसा सेंसेस को ठीक लगा, सेंसेस वो तो ठीक लगने की बात ही नहीं है, वो उस दिशा में दौड़ गई। सेंसेस को इतना स्ट्रांग बनाया गया है क्योंकि कई बार हम डिसाइड कर लेते हैं, हम बुद्धि से सोचते कितना है, कई बार हम डिसाइड कर लेते हैं कि अब हम 24 घंटे पढ़ेंगे। जहाँ पर मैं पढ़ती थी वहाँ पर एक लड़की थी, कई बार होता है ना कि मैं, कई बच्चे होते हैं जो काफ़ी डिटर्मिंड होते हैं, अगर उन्होंने कह दिया कि वो 15 घंटे पढ़ेंगे, डजंट मैटर क्या हो जाए, वो पढ़ेंगे 15 घंटे, अब पता नहीं वो अगले दिन चाहे बीमार पड़ जाए, वो पढ़ेंगे 15 घंटे, 20 घंटे कह दिए तो वो पढ़ेंगे। पर कई बच्चे होते हैं कह देते हम पढ़ेंगे 15 घंटे, लेकिन थोड़ी देर में क्या होता है, फिर वो लगता है कि नहीं 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 होगा, या फिर हम बैठे रहेंगे, उन्हें लगता है कि नहीं अभी तो हम बीमार हो जाएंगे, धीरे धीरे करके आदत लगाएंगे, तो बच्चे उठ जाते हैं। कई बच्चे इतने डिटर्मिंड होते हैं कि 20 घंटे कहा तो बैठ ही गए, अब डजेंट मैटर कि तब कहा, कह दिया गया था वो गलत लग रहा है, तो वो ठंड में भी बैठी रहती थी, पढ़ती ही रहती थी। उसका कहना था कि वो 12th में टॉप करेगी, और क्योंकि उसने सुना नहीं, खुद की सेंसेस की सुनी नहीं, वो खुद बैठी रही और इतना बीमार हो गई, उसे टीबी हो गया और उस पास होना भी बहुत मुश्किल हो गया। तो इसलिए सेंसेस इतनी स्ट्रॉन्ग बनाई गई है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम जो डिसीज़न लें उसे इम्प्लीमेंट ना करें। हाँ करें, कई बार हम ले लेते हैं नहीं अब तो हम 24 घंटे जागेंगे ही जागेंगे, 36 घंटे जागेंगे जागेंगे, ये ख़त्म ही कर लेंगे। पर एक बॉडी का ये अपना सामर्थ्य होता है, अपनी कैपेसिटी होती है कि कितना कर सकती है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। इसीलिए तो कई सारी काम हमें नहीं, इस बॉडी को भी नहीं सौंपे गए, सेंसेस को भी नहीं सौंपे गए, जैसे सांस लेना, हार्ट बीट हो गया, दिल का सर्कुलेशन हो गया, बाकी जितने अंदर अंदर हो रहे हैं, स्मूथ मसल्स हैं, किडनी का काम हो गया, कितने सारे काम हो गए जिस पर कंट्रोल नहीं मांगा गया है, क्योंकि पता है कि इस कंट्रोल दे दिया गया तो फिर बात बिगड़ सकती है।
जब अगर इसके अकॉर्डिंग सेंसेस के अकॉर्डिंग ही काम चलने लग गया तो जीवन चला जाएगा. एंड लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस. जिसमें कहते हैं कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, उसमें कहते हैं कि जीवन वो महंगी मुद्रा है जो कतरा कतरा बटती है. तो इसीलिए इंद्रियाँ इतनी स्पेशल, इतनी स्ट्रोंग बनाई गए हैं, टर्बुलेंट सेंसेस. क्वेश्चन डिबेट करके हमें आंसर खुद ही से पूछना चाहिए ताकि हम दूसरे पर डिपेंड ना हो जाए. उसके लिए फिर इसका जो सारथी है उसे मन को बताया गया है. मन या इंटेलिजेंस बोल दो, वो डोलता रहता है क्योंकि उसे भी ऊपर से चाहिए. जिसका जो मालिक है वही जान सकता है किस लिए. वो तो सिर्फ बताया गया, जो मालिक बोलेगा वो चला देगा उस तरफ गाड़ी को. लेकिन क्योंकि मालिक सो रहा है, मालिक की आवाज़ सुनी ही नहीं जा रही है, मन अपने ही गोल 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 घूमी जा रहा है, वो अपनी ही चीज़ें किए जा रहे हैं, तो उसे कुछ सुन ही नहीं रहा है मालिक क्या बोल रहा है. अब हमारे में क्वेश्चन उठता है कि क्या ऐसा है कि इस बॉडी के परे हम कुछ हैं? हमें तो लगता है ये बॉडी है. आज से पहले तो हमने कभी कुछ जाना ही नहीं कि इस बॉडी से परे भी हम कुछ हैं. तो ये सिर्फ बहुत सारे ऋषि मुनियों ने कह दिया है, बहुत सारे कईयों ने जाना भी है, कईयों ने देखा भी है कि नहीं ये बॉडी हम नहीं हैं. पर वो तो उन्होंने जाना है ना, जिसने जाना है वो तो उसका हुआ ना. सिर्फ कह देने से कि आत्मा होती है, बुद्ध ने कहा आपो दीपो भव, दीपक कोई दीपक है. कबीर कहते हैं कि सब अंधियारा छाटे दीपक देखा माही. आत्मा कहा जाता है आत्मा, जहाँ पे अंधकार नहीं है. पर हमें क्या, हमने कौन सा देखा है उसे? पर अगर हम पहुंचना चाहें, क्योंकि ज़रूरत की चीज़ है, पहुंचना चाहे तो पहुंचना ही होगा. ये कोई ऑप्शन नहीं है कि नहीं भी पहुंचो तो काम चल जाएगा. पहुंचना होता है, वरना हमारी लाइफ की धज्जियाँ उड़ जाती हैं. कि स्टीफन हॉकिंस का एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा है कि उन्हें चलने के लिए व्हील चेयर दी गई थी, पैर काम नहीं कर रहे थे. फिर बोलने के लिए कंप्यूटर दिया गया था जो काम करता था. एक ऑटोमेटिक भी होता है, जैसे रिमोट का बटन दबा दिया तो अब वो व्हील चेयर चलेगी, कंप्यूटर उनके अकॉर्डिंग काम करेगा, उनके ब्रेन से फिट कर दिया गया था वो. अब स्टीफन हॉकिंस को लगने लग जाए कि जब वो जो है व्हील चेयर ही है, कंप्यूटर ही है, तो ये कैसी बात होगी? क्योंकि कंप्यूटर कभी भी चेंज हो जाएगा, व्हील चेयर कभी भी चेंज हो जाएगा. इसी तरह हमें ये चीज़ें दे दी गई हैं, पर हमें लगता है कि नहीं, आंखें दे दी गई थी तो मेरी ही हुई ना. पर अगर स्टीफन हॉकिंस सोचने लग जाए नहीं, व्हील चेयर मुझे दे दी गई तो मेरा ही हो गया ना, हाउ इज इट, ये कैसी बात हो जाएगी, कितनी स्टुपिडिटी वाली बात हो जाएगी. पर ये सिर्फ कहने और सुनने की बातें नहीं हैं, ये खुद समझने की, बहुत गहरे में जाने की, सोचने की बातें हैं. और ये ऑप्शनल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर हम, हमारी बेचैनी का यही कारण होता है कि हम जो मेन है उसकी तरफ देखते नहीं हैं, और जो मेन नहीं है उसकी तरफ हम सारा जी जान लगा देते हैं. तो शिव कहते हैं कि चंद्रमा उसी जल में प्रतिबिंबित होता है जो जल स्थिर होता है. हम अगर इसका मतलब निकालने जाए तो फिर धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं होता कि समझ नहीं आता, समझ आता है, पर समय देना होता है, स्थिर होना होता है उसके लिए. तो क्या होता है ना, जो मालिक है उसे, जो मन है उसके पास, वो दो ऑप्शंस देता है, इधर या उधर डोलता रहता है, गुड और बैड. जो आत्मा है वो सिर्फ बोलती, वो सिर्फ डायरेक्शन देती है, नाइदर गुड नॉर बैड. तो वो क्या कर रहा होता है ना, हम देखते हैं कि मन, अभी जैसे मैं बोल रही हूँ तो अभी शायद मेरे मन में बहुत कम बातें चल रही हैं, पर चल रही होंगी ज़रूर. अक्सर अगर हम कोई काम कर रहे हैं तब भी हमारे मन में लगातार कुछ ना कुछ चलता ही रहता है. सपने होते हैं तब भी लगातार सपने में हम, जैसा लगता है कि जब तक हम सपने देख रहे होते हैं हमें लगता है कि रियलिटी है, आँख खुलते ही वो पता नहीं कहाँ चला जाता है. कितना भी याद करने की कोशिश करें याद ही नहीं आता है. कभी कभार याद आता है कुछ, वरना वो याद नहीं आता. और जब तक हम सपने देख रहे थे हमें लग रहा था कितनी रियलिटी है, हाँ हम ये करेंगे. कभी कभी तो होता है बच्चे सपने में पढ़ने लग जाते हैं, उन्हें लगता है कि हम सच में पढ़ रहे हैं, हमने इतना पढ़ लिया, हमने इतना याद कर लिया, और उठकर देखते हैं तो वहीं के वहीं हैं, कहीं नहीं पहुँचे. तो लगातार चलता रहता है. और ये जो लगातार मन बोल रहा है ये तो अस्थिर हो गया, टर्बुलेंट हो गया. ये कैसे आत्मा की बात सुनेगा, जो मालिक है उसकी बात सुनेगा? और जब मालिक की बात ना सुनी जाए तो फिर ये गाड़ी कैसे चलेगी, किस दिशा में जाएगी? मालिक के अकॉर्डिंग ही चलना था. अब जैसे बाइक हो गई, स्कूटर हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, एरोप्लेन्स हो गए, बंदूक हो गई, पिस्टल हो गया, इनके अपने अपने नेचर है, सत्व रजस और तमस, इनके अकॉर्डिंग काम करना होता है. सबके अपने गुण डिसाइडेड हैं. तो अब ये लेकिन अपने आप में कुछ नहीं है, गुड हो रहा है, बैड हो रहा है. अब पिस्टल है, उसे डिपेंड करता है कि हम किसी ईमानदार को भी मार दें या फिर किसी बेईमान को भी मार दें. तो वो डायरेक्शन में किसी और के हो रही है, उसके लिए बंदूक रिस्पॉन्सिबल नहीं है. बंदूक को सज़ा नहीं दी जाएगी, जो चला रहा है उसको सज़ा दी जाएगी, क्योंकि उसे देखना था बंदूक ना अच्छा है ना बुरा है. बाइक चलाई जा रही है, उससे अपने डेस्टिनेशन तक भी पहुंचा जा सकता है, या फिर रास्ते में बेध्यानी से चला के एक्सीडेंट भी हो सकता है, ध्यान ना दिया जाए तो. तो उसके लिए बाइक जिम्मेदार नहीं है, बाइक को चलाने वाला जिम्मेदार है. तो इसके लिए अगर इससे कुछ गलत बोला जा रहा है, इस बॉडी से कुछ गलत काम हो रहा है, किसी को कुछ गलत संकेत मिल रहे हैं, तो इसके लिए ये बॉडी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए जो बॉडी को चलाने वाला है वो रिस्पॉन्सिबल है.
पर बॉडी को चलाने वाला अगर हम मान लें कि वैसे तो हमें पता नहीं कि आत्मा क्या है, देखा नहीं हमने, मान लेते हैं आत्मा है, होनी ही चाहिए, लगता ही ऐसा है, आत्मा है पर मन है, वो मन तो अपने ही किए जा रहा है, और इसीलिए जो हम कहते हैं कि हमें एनजाइटी हो रही है, हम करना कुछ चाहते थे वो कुछ जा रहा है, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि अब मन का कनेक्शन जो आत्मा से है वो लगभग टूटता जा रहा है। कई बार हमें अंदर से आवाज़ आती है, पता चलती है कि नहीं हिम्मत करो गलत हो जाएगा ऐसा, पर मन सुन नहीं पाता, तब तक वो काम हो जाता है और वो चीज़ गलत हो जाती है। तो कहते हैं कि चंद्रमा उसी जल में प्रतिबिंबित हो जाए जो स्थिर होता है। तो क्यों कहा गया है जप और तप को इतना इम्पोर्टेंस दी गई है? जब हम जप करते हैं लगातार, मान लीजिए हम आंख बंद कर कर लगातार ओम का जप कर रहे हैं, ओम ओम, तो क्या होते हैं, धीरे धीरे थॉट कम होने लग जाते हैं, और धीरे धीरे जब हम बोल रहे होते हैं तो हमें अंदर की आवाज़ सुनाई देने लगती है। अगर अभी वैसे हम कुछ काम कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि बाहर कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कोई पक्षी भी बोल रहा है, कोई छोटी सी आवाज़ भी है, हमें नहीं पता चल रहा, क्योंकि हमारे अपने ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है मन में, वो हमें बाहर का सुन ही नहीं देता। पर जब हम शांत होते हैं, मान लो किसी एक चीज़ को रटते जा रहे हैं, फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन लगभग सेम होता है, एक्सेलरेटेड मोशन को ही मोशन कहा जाता है, वरना अगर यूनिफॉर्म मोशन है फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यूनिफॉर्म है या फिर रेस्ट पे है तो सेम माना जाता है, एक्सेलरेटेड मोशन हो तो ही, मतलब एक यूनिफॉर्म, कोई शब्द हम जप रहे हैं, मान लीजिए ओम ओम जप रहे हैं, तो एक यूनिफॉर्म कम हो गया, तो उसका होना ना होने के बराबर हो गया। तो अब हम सुन सकते हैं आत्मा क्या हो रही है, उसे धीरे 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 महसूस करने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं चंद्रमा उसी जल में प्रतिबिंबित होता है जो जल स्थिर होता है। तो जब अब ओम ओम का लगातार कुछ का होना या ना होना बराबर ही होता है, कोई चीज़ बहुत सारी है या बिल्कुल ही नहीं। तो जब हम धीरे धीरे करते हैं, फिर धीरे धीरे हमें समझ आने लगती है, फिर मन का इसे कनेक्शन जुड़ने लग जाता है सेंसेस से, फिर जो वो कह रही होती है वो हमें सुनने लग जाता है, फिर एंजाइटी अपने आप कम होने लग जाती है, हमें पता नहीं चलता कि हम यहाँ पे आए क्या करने को है। जब हम धीरे धीरे खुद को शांत करते हैं, आत्मा की आवाज़ सेंसर से पहुंचने लगती है, उस अकॉर्डिंग काम होने लग जाता है, फिर अपने आप ये बेचैनी खत्म हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि जो अहंकारी आत्मा है, अहंकारी ना कहकर अज्ञानी कह सकते हैं, जिसे ज्ञान नहीं है, वो अपने आप को करता ना समझे, क्योंकि सिर्फ उसके डायरेक्शन में हो रहा है। अब जो पायलट है वो एरोप्लेन चला रहा है, पर उसकी सिर्फ डायरेक्शन में हो रहा है, वो एरोप्लेन नहीं है, प्रोसेसिंग वो नहीं कर रहा है, वो जस्ट डायरेक्शन दे रहा है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और अगर कुछ अच्छा हो या बुरा होता है तो उसके लिए पायलट रिस्पॉन्सिबल है, ना कि एरोप्लेन।